तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं चक्कर में, जैसे तुम्हारी चक्कर में मैं फेल हो गया, तुम्हारी चक्कर में मेरा क्लास छूट गया, तुम्हारी चक्कर में मैं ऑफिस के लिए देर हो गया, तुम्हारी चक्कर में मेरा मोबाइल टूट गया। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कि चक्कर में। तो आइए देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे एक सेंटेंस, उसके बाद आप कहेंगे बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम्हारी चक्कर में। अगर आपको कहना उसकी चक्कर में तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हर, अगर वो कोई मेल है तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हिम, और अगर आपको कहना कि उन लोगों की चक्कर में तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ देम। आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। तुम्हारी चक्कर में मैं फेल हो गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट फेल बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम्हारी चक्कर में मैं फेल हो गया। तुम्हारी चक्कर में मेरा ट्रेन छूट गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मिस्ड माय ट्रेन बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी चक्कर में मेरा मोबाइल भूल गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लॉस्ट माय मोबाइल बिकॉज ऑफ यू। अगर आपको कहना हो कि उसकी चक्कर में मेरा वक्त बर्बाद हुआ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई किल्ड माय टाइम बिकॉज ऑफ हिम। अगर आप बात किसी औरत की कर रहे हैं तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ हर, यानी उसकी चक्कर में मेरा वक्त बर्बाद हुआ। उन लोगों की चक्कर में मैं ऑफिस के लिए देर हो गया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गॉट लेट फॉर ऑफिस बिकॉज ऑफ देम, यानी उन लोगों के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बात समझा कि जब आपको कहना हो के चक्कर में या के चलते के वजह से, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ। तो अगर आपको ये बात समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।